नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बादशाह इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल स्वागत है। आप देख दोस्तों, मेरे पास एक सैमसंग 310 मॉडल का मोबाइल है। इसमें प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, मोबाइल तो डेड हो गया है। ये अलग शॉप से मेरे पास आ गया है दोस्तों मोबाइल रिपेयर करने के लिए। वो मैकेनिक ने बता दिया है मुझे और कस्टमर ने उसको नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है तो रिपेयर को दिया है दोस्तों। लेकिन वो मैकेनिक ने क्या कर दिया बोलते, क्रिस्टल चेंज करने नेटवर्क कर दिया। क्रिस्टल चेंज करने के बाद ये मोबाइल तो डेड हुआ है बोलकर वो मैकेनिक ने मुझे बता दिया दोस्तों। अब इसमें मेन से क्या प्रॉब्लम है, क्रिस्टल चेंज कर जिस टाइम पर हमको ओवर हीट करने का वजह से सीपीयू डैमेज हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मोबाइल तो डेड हो जाएगा। अब मैं ये सीपीयू को रिमूव करके फिर से रिबॉल करके लगाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मोबाइल तो ऑन हो जाएगा। ओके, अब देखो दोस्तों, मैं ये सीपीयू को रिमूव करके फिर से रिबॉल करके लगाने का तरीका आपको बता देता है। ये गम में इसी है दोस्तों, इसलिए पहला हमारा ये गम को रिमूव कर देना दोस्तों। देखो दोस्तों, मैं आपको पहला मोबाइल ऑन करके बता दूंगा। इससे पहले हमारा मोबाइल शॉर्टेज है कि नहीं, वो हम कूल टेस्ट में चेक करना होगा दोस्तों। ऑलरेडी वो चेक कर लिया है, मोबाइल शॉर्टेज तो नहीं है। इसके बाद हम चार्जर इंसर्ट करके मोबाइल को चार्जिंग वोल्टेज आ रहा नहीं, वो भी चेक कर जाना है, वो भी चेक कर जाए चार्जिंग वोल्टेज भी आ रहा है दोस्तों। उसके बाद में हमारा पावर सप्लाई आ रहा है नहीं, वो भी चेक कर जाए, वो भी बराबर है दोस्तों। लेकिन सब कुछ बराबर होने के बाद में हमारा मोबाइल तो ऑन नहीं हो रहा है, देखे दोस्तों। वहाँ बैटरी में भी सप्लाई है दोस्तों, लेकिन फिर भी हमारा मोबाइल तो ऑन हो गया, इसलिए हम हमारे सीपीयू को रिमूव करके रिबॉल करके लगाने, हमारा प्रॉब्लम 100% सॉल्व तो हो जाएगा। हमारा ये गम है, इसको रिमूव करने के लिए पहला ये अराउंड है सो गम को कट कर देना दोस्तों। वो कट करने के लिए हम क्या करना है को बोलता, हमारा ग्लोव को 250 पर हीट रख के एयर 2 पर रख के हमारा गम को कट कर लेना है दोस्तों। पहला इसलिए पहला हमारा ये कीपैड शीट को रिमूव करेंगे। देखिए दोस्तों, कीपैड शीट को रिमूव कर दिया, करने के बाद हम मोबाइल को स्टैंड में फिट अप कर लेना है। देखिए दोस्तों, ये तरीके से हमारा मोबाइल बोर्ड को फिट अप कर लेना है। ओके, फिट करने के बाद हमारा ये राउंड ऐसा एमएमसी रिमूविंग करने टूल किट में ऐसा टूल आएगा दोस्तों, एक गम कट करने के लिए ऐसा हम यूज करके राउंड ऐसा ग्लू को रिमूव कर देना है हमारा ब्लोअर का मदद से। ओके, देखिए दोस्तों, ये तरीके से हमारा गम को काट लेना है अच्छा तरीके से। ओके, देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूंगा, ये
राउंड वाला गम तो कट हो गया दोस्तों। अब हम इसको थोड़ा पेस्ट लगाकर ऊपर इस पर पेस्ट डालकर हमारा ब्लोअर को 370 पर हीट रख के रिमूव कर देना दोस्तों इसी को। ओके देखिए दोस्तों, अब मैं थोड़ा पेस्ट अप्लाई कर दिया है हमारा एसी रिमूव करने में। थ्री सेवेंटी हीट रख देना है, ये टू पर रख देना है दोस्तों। ऐसे अच्छा हीट होने के बाद हम निकाल देना है, ऐसा बाउंड दिखा देना दोस्तों। ऐसा बाउंड हिलाने से हमको ऐसी चारों तरफ से हीट लग जाएगा, कौन सा पॉइंट भी डैमेज नहीं होगा दोस्तों। ओके देखो दोस्तों, आईसी हमारा रिमूव हो गया है। अब हम फिर से आईसी को अच्छा से क्लीन करके लगा देंगे दोस्तों, लगाने से आपको अपना सॉल्व हो जाएगा। लगाने के क्लीन करने के बाद फिर से मैं आपको बता दूंगा दोस्तों फिर से हमारा आईसी को मैं रिवॉल्व कर दिया है और हमारा बोर्ड को भी क्लीन कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, अब फिर से मैं लगा देता है हमारा आईसी को। फिर से हम हमारा आईसी को लगाने के लिए क्या करना है को बोल तो हीट को 370 पर रख देना है, एयर को जीरो पर रख देना है दोस्तों। एयर को जीरो पर रख के हीट को 370 पर रखने से आपको अच्छे से लग जाएगा आईसी। ओके देखो दोस्तों, चारों तरफ से हम हीट दिखाना है, दिखाने से हाथों से लग जाएगा इसी। ऐसा थोड़ी देर हीट करने के बाद फिर से हम पेस्ट अप्लाई कर देना है इस पर। इस पर पेस्ट अप्लाई करने से चारों तरफ से हाथों से लग जाएगा। ओके देखिए दोस्तों, मैं ये थोड़ा पेस्ट अप्लाई कर देता इस पर। ये नॉर्मल पेस्ट है, ज्यादा क्वालिटी वाला पेस्ट तो नहीं है, नॉर्मल क्वालिटी वाला। इसे आपको ये लोकल शॉप में भी मिल जाएगा, इसको सिरिंज पेस्ट बोलते हैं दोस्तों। इसके बाद हम थोड़ा एयर भी बढ़ा देंगे, टू पो या थ्री पो रख देंगे दोस्तों। ऐसा रखने से आपको अच्छे से लग जाएगा ऐसी। चारों तरफ से हम लगा देना है, देखिए दोस्तों। ओके देखिए दोस्तों, परफेक्ट से हम ऐसी तो लग गया है। अब बोर्ड थोड़ा कूल होने के बाद फिर से मैं आपको बता दूंगा हमारा मोबाइल ऑन होता है कि नहीं है। ओके अब देखिए दोस्तों, हमारा बोर्ड तो कूल हो गया है। अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं कि हमारा मोबाइल ऑन होता है कि नहीं कि आपको मैं मोबाइल लगा के बता दूंगा। देखिए दोस्तों, ओके देखिए दोस्तों, सक्सेसफुल से हमारा मोबाइल तो ऑन हो गया है।
हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया दोस्तों। ये तरीके से आपको मोबाइल डेड हुआ है तो सीपीयू रिमूव करके फिर से रिबॉल करके डालने से आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व तो हो जाएगा दोस्तों। इसका नो सर्विस का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। अब आपको मैं ये सिम लगा के भी बता दूंगा दोस्तों। दोस्तों मैं सिम भी लगा दिया है, इसमें आइडिया सिम भी लगा दिया है, लगा के मोबाइल ऑन कर देता है। ओके देखिए दोस्तों, हमारा नेटवर्क भी फुल से आ गया है, हमारा प्रॉब्लम तो 100% सॉल्व हो गया है दोस्तों। यही तरीके से हमारा कौन सा मोबाइल को स्टेप बाय स्टेप चेक करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना दोस्तों। ऐसा टेक्निकल वीडियोस पर लेटेस्ट वीडियोस पर आपके लिए लेकर आने वाला हूँ मैं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, प्लीज। थैंक यू दोस्तों।